You are watching HFAD News. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अकरम। मुल्की और बैनुल अक्वामी खबरों पर मुश्तमिल मुख्तसिर बुलेटिन। FBR ने टैक्स चोरी रोकने के लिए तारीख में पहली मरतबा बड़े टैक्स चोरों डिफॉल्टर्स के कारोबारी ब्रांड को मनकूला जायदाद करार देकर जब्त करके नीलाम करने का फैसला कर लिया। चोरीशुदा टैक्स वाजबात रिकवर करने के लिए ये तारीखी इकदाम समझा जा रहा है। इसराइली फिजाइया की जानिब से मकबूजा गजा में वहशियाना बमबारी की गई। जिसके 22 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबकि कम से कम 44 अफराद जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पतालों में जारी है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली धाती डोर लेस्को के ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए खतरा बन गई। लेस्को ने पतंगबाजी के खात्मे और पतंगबाजों की निशानदेही के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गईं। पतंगबाजी करने वालों के बारे में पुलिस को आगाह किया जाएगा। यूनिसेफ के रीजनल डायरेक्टर बराए जनूबी एशिया जॉर्ज लारिया एडजी ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पर आ गया है। उम्मीद है कि इसके फैलाव को रोकने के लिए मोस्तर इकदामात के बाद 2023 के आखिर तक पोलियो का खात्मा हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेस्ट सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम को आज शाम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चाय की दावत पर बुलवाया है। मज़ीद मालूमात और वीडियोस के लिए हमजा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।